बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे चैनल मलिका के जहां में आपका वेलकम है। व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आसान आसान घरेलू टोटके आप लोगों के लिए लाती रहूं और आप यूं ही उनसे फ़ायदा उठाते रहें। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है लीवर। लीवर हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है। लीवर ख़राब होने पर हमारी मौत भी हो सकती है। आमतौर पर लीवर में तीन बीमारियां देखी जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए जो होता है उसमें लीवर में चर्बी हो जाती है या लीवर फैटी लीवर हो जाता है, जिसे हम हेपेटाइटिस ए कह सकते हैं। जिगर में गर्मी महसूस होती है और जलन होती है और आँखों में का रंग पीला हो जाता है, तो इसको हम हेपेटाइटिस बी कह सकते हैं। एक होता है हेपेटाइटिस सी, जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। हेपेटाइटिस सी में लीवर सुकड़ जाता है, लीवर का साइज़ छोटा हो जाता है। हेपेटाइटिस सी में टॉयलेट में खून भी आ सकता है, जिसे हम बवासीर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हेपेटाइटिस सी में भी हो सकता है। आपको हेपेटाइटिस चाहे कोई भी हो, यह ठीक हो सकता है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इसके लिए परहेज़ करना है। परहेज़ करके हम अपने लीवर को नई ज़िंदगी दे सकते हैं और अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। लीवर से सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, लीवर डिटॉक्स कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। परहेज़ हमें क्या करना होगा, हमें ठंडा पानी नहीं पीना है, मसूर की दाल नहीं खानी है, आइसक्रीम नहीं खानी है, बड़े का गोश्त नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, होटल का खाना नहीं खाने हैं, तेज़ मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, सिर्फ़ घर का बहुत ही हल्का खाना खाना है। इंशाल्लाह आप जल्द ही सेहतयाब महसूस करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया।